press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको हमारे YouTube चैनल परिंदों की दुनिया में। उम्मीद करते हैं आप और आपके बर्ड्स वगैरह सब अच्छे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सबसे पहले 5 पेयर रखा था, तो 5 पेयर रखने के बाद देखा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा था, तो मैंने इसमें 4 पेयर कर दिया। ठीक है, एक जगह में जहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं और अगर स्पेस कम दिया जाए तो कितना डेडली हो सकता है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, एक कॉलोनी में फीमेल ही मरती है ज़्यादातर। क्यों? जब फीमेल ब्रीडिंग मूड में आ जाती है ना, तब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो अपना एक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना बच्चा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है, किसी को भी वो अटैक कर सकती है। ठीक है, उसी ऐसे ही आज मेरा साथ भी हो गया। ठीक है, कल तक एक मेरा बर्ड, ये जो मटका आप देख रहे हैं ना, ये मटका बाहर निकालने का एक कारण है कि इसका फीमेल को मार दिया गया है। देखिए, कल तक ये फीमेल सही थी, कल तक फीमेल ये सही थी, एकदम सबसे लास्ट में जो ऊपर में ग्रीन कलर का जो पाइट है ऊपर वाला, इसी का पेयर है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए कल तक ठीक थी, मे भी ये किसी और के मटका में जाने की कोशिश करती होगी, किसी और का मटका को पसंद कर ली होगी, जिस वजह से इसको अटैक इतना ज्यादा हो गया है कि ये बेचारी मर गई। अब देखिए, जब भी कॉलोनी बनाया जाए ना, तो एक उसमें मटका हम लोग को ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें 4 पेयर है, तो मुझे मटका इसमें कम से कम 6 या 7 मटका लगाने चाहिए था, जो मैंने नहीं लगा पाया। इस वजह से मैंने क्या किया था, जब 5 पेयर मैंने छोड़ा था ना, उस वक्त 1 पेयर भी मैंने इसमें से निकाल दिया था, 4 पेयर मैंने इसमें कर दिया था, ताकि 4 पेयर आराम से रहे। ठीक है, अब इन द सेंस, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसका जो मेल सिंगल पड़ गया है ना, मैं इसका मेल को यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, और कोई भी इसमें नया पेयर मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं नया पेयर को फिर से छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो जाके यही मटका को चूज नहीं करेगा, यही प्लेस को चूज नहीं करेगा, वो जाके फिर से तीनों में से किसी में भी वो चूज करना स्टार्ट कर देगी फीमेल, जिसमें से फिर से अटैक हो जाएगा। अब देखिए, ये तीनों में 1, 2, 3, ये तीनों में कोई किसी का फाइटिंग नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ये मेरा केज जो हो गया, इसमें कोई न्यू पेयर नहीं छोड़ेंगे, और ये केज में सिर्फ और सिर्फ यही 3 पेयर से मुझे ब्रीड लेना पड़ेगा। ये जो फीमेल मर गई है ना, ये मेरा इसका फर्स्ट ब्रीड था, ये इसको मैंने बच्चा से इसको बड़ा किया था। देखिए दोस्तों, आप लोग भी ना ध्यान रखें, जब आपका कोई कॉलोनी बोले या फिर कोई बड़ा सके जहाँ पर 3-4 पेयर ऑलरेडी उसमें ब्रीड करवा रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मली देखिए, ऊपर वाला देखिए, मैं जब भी इसमें चाहूँ ना, अभी जाके इसमें 4 पीस और इसमें छोड़ सकता हूँ, 4 मेल 4 फीमेल कुछ भी मैं छोड़ सकता हूँ, कोई किसी को उतना फाइटिंग नहीं होगा, कि डेडली फाइटिंग नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि एक भी मटका नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पर मैं एक भी पेयर को, न्यू पेयर को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ध्यान है दोस्तों, जब आपका केज में जब मतलब एक से ज़्यादा पेयर हो, ठीक है, और वो ब्रीड पर हो, तो उस वक्त ना कभी भी आप कोई नया पेयर को ला के ना छोड़े। ठीक है, आप इसमें ना सेमी एडल्ट को भी ना छोड़े, सेमी एडल्ट को भी हो सकता है ना, सेमी एडल्ट जाएगा कि वो तो उसको मटका नहीं देंगे आप, तो मे भी वो जाके दूसरा किसी को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से फिर से फाइटिंग भी हो सकता है और डेडली फाइटिंग होगा, किसी एक का जान जरूर जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना बर्ड्स का ख्याल भी रखें।